इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महाजनपद क्या थी और ये कब अस्तित्व में आई थी। जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है पैर। तो जहाँ जहाँ पर भी लोगों के पैर पड़े यानी जहाँ जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया उस जगह को हम जनपद कहने लगे। और जैसे ही लोहे का विकास हुआ, लोहे की खोज हुई, उसके बाद जो ये जनपद थी इनका काफ़ी विकास हुआ और ये महाजनपद यानी कि बड़े बड़े राज्यों में बदलने लगी। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास महाजनपदों की संख्या लगभग 16 थी। महा इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि बाकी सभी जनपदों में ये सबसे बड़ी जनपदों में से थी। तो जहाँ जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया वहाँ पर जो बड़ी जनपद हुई उनकी संख्या हुई कुल 16। देश के अलग अलग हिस्सों में 16 जगह ऐसी थी जहाँ पर बड़े राज्य विकसित हुए। सबसे पहली जनपद है काशी, दूसरी है कौशल, तीसरी है अंग, चौथी है मगध, पांचवी है वज्जी, छठी है मल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार एंड कंबोज। ये सारी 16 महाजनपद हैं जिनका विकास 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ है। आइए अब जानते हैं कि इन महाजनपदों की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी किस तरीके से यहाँ पर राजपाट था और क्या यहाँ का शासन तंत्र था। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसमें से 12 जनपद जो हैं वो राजतंत्रीय थी और 4 जनपद गणतंत्रीय थी। राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ केवल एक ही राजा का शासन हो, यानी कोई एक ही व्यक्ति पूरे शासन को संभालता हो। गणतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग यानी ग्रुप में लोग शासन करते हों। तो 16 में से 12 तो राजतंत्रीय थी और 4 गणतंत्रीय थी। आपने महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का नाम जरूर सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी भी गणतंत्र राज्य से ही संबंधित थे। ये दोनों शाक्य और ज्ञातरक कबीले से संबंधित थे जो कि महाजनपद काल में ही विद्यमान थे। महाजनपद काल में लोहे का आविष्कार हुआ और लोहे के प्रयोग के बढ़ने से जो ये छोटी छोटी जनपद थी ये बड़ी बड़ी जनपदों में बदलने लगी, क्योंकि लोहे के प्रयोग से अस्त्र शस्त्र विकसित हुए। तलवारें, भाले, ये सारी चीज़ें बहुत ही आधुनिक बनने लगी, जिससे कि जनपदों का विकास होता चला गया और लोहे के प्रयोग से हल का यूज़ भी किया गया। हल को भी लोहे का बनाया गया और इतने मजबूत हल से कृषि की पैदावार बढ़ी। और जब भी कृषि की पैदावार बढ़ती है तो उससे उन्नति होती है, धन में बढ़ोतरी होती है। धन में बढ़ोतरी होते ही ये जनपद देखते ही देखते बड़े बड़े राज्यों में बदलने लगी। तो महाजनपदों की सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक है लोहे का बढ़ता प्रयोग। अगली विशेषता है सिक्कों का विकास। महाजनपद काल ऐसा काल माना जाता है जब भारत में सबसे पहले सिक्कों का विकास हुआ, यानी राजाओं ने अपने नाम से सिक्के जारी करने शुरू किए। अधिकतर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, पर हमने जैसा कि अभी देखा कि कई कई जगहों पर गण और संघ, गण और संघ का अर्थ ही होता है ग्रुप, तो गण और संघ नाम के बहुत सारे राज्य हमें महाजनपद काल में देखने को मिलते हैं। इस गण या संघ में जितने भी व्यक्ति राजा होते थे उन सभी को राजा का ही दर्जा दिया जाता था, यानी गण के अंदर एक से अधिक व्यक्ति राजा का कार्य संभालते थे। और राज्य के जितने भी आर्थिक स्रोत हैं सभी के ऊपर सामूहिक रूप से नियंत्रण रखते थे, यानी जो भी चीज़ें हैं सब पर सबका अधिकार होता था। महाजनपदों की अगली विशेषता है उनकी राजधानी। जितने भी महाजनपद हुई हैं उन सभी की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था।
उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं मगध को। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र शहर को किले से घेरा गया था और किले से घेरने का अर्थ है कि वहां पर सुरक्षा का विशेष प्रबंध था। और इन महाजनपदों में रखरखाव के लिए सेना और नौकरशाही भी होती थी, यानी बड़ी बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े नौकर जाकर इन पूरे किलों की और राजा की राजधानी की देखरेख करते थे। महाजनपदों के काल में ही ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा के धर्मग्रंथ लिखे हैं, जिनमें कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में ब्राह्मणों ने राज्य से संबंधित नियम बताए हैं और कहा है कि राजा में राज करना कार्य केवल क्षत्रियों का ही होता है और शिक्षा और ज्ञान इत्यादि बांटना ब्राह्मणों का कार्य होता है। इसी तरीके से सभी वर्णों के कार्य भी ब्राह्मणों ने महाजनपद काल में निश्चित किए। अगली विशेषता है कि महाजनपदों के शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से भेंट तथा कर वसूलते थे, यानी इस समय तक आते आते शासक इतने बड़े हो चुके थे कि वो अपनी प्रजा से कर वसूलते थे और उनकी देखरेख तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते थे। अब वो पहले जैसे कबीलियाई राजा नहीं रहे थे, अब वो विकसित हो चुके थे और नियमित रूप से कर वसूलते थे। वनवासियों और चरवाहों से कर लिया जाता था या नहीं लिया जाता था, इस बात में कुछ मतभेद हैं। अभी तक हमें इस बात का पता नहीं चल पाया है कि क्या वनवासियों से कर लिया जाता था या नहीं, पर हमें इतना जरूर पता है कि वनवासियों से बेशक कर नहीं लिया जाता था, परंतु कर के रूप में कुछ न कुछ चीज़ें अवश्य ली जाती थी, जैसे कि हाथी या घोड़े इत्यादि वनवासियों द्वारा राजा को भेंट किए जाते थे। महाजनपदों के राजाओं के लिए संपत्ति जुटाने के लिए एक और उपाय था पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना, यानी महाजनपद काल में राजा अक्सर दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे और अपनी सेना और अपने धन की बढ़ोतरी करते रहते थे। महाजनपदों की अगली विशेषता है उनकी सेनाएं। महाजनपद काल के शुरू में सेनाएं बहुत ही छोटी होती थी, जिसमें मुख्यतः कृषक लोग ही राजा की सहायता करते थे। ये छोटे राजा होते थे और कबीले के रूप में ये अपने ही लोगों से सेना का कार्य करवाते थे, परंतु महाजनपद काल के विकास के साथ साथ ये राजा भी बड़े होते गए और इनकी सेना भी बड़ी होती गई। अब ये राजा कृषक सेना पर निर्भर न होकर एक स्थायी सेना पर निर्भर रहने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाजनपद काल में लोहे का आविष्कार हुआ है और देश के अलग अलग हिस्सों में 16 जगह पर महाजनपदों का विकास हुआ है। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजिशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE
लिखकर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पर कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की पीडीएफ और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।